आज हम बनाएंगे सरसों का साग, जिसे कि हम बहुत ही कम मेहनत में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, जिससे कि आप जब भी इसे खाना चाहें बहुत आसानी से बना सकें। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल रसोई साथी में। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने टोटल 1.25 किलो साग लिया हुआ है, और 1.25 किलो जो साग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये कई तरीके के मिक्स साग लिए हुए हैं, जिसमें कि लगभग 1/2 किलो मैंने पालक लिया हुआ है और 1/2 किलो के आसपास ही मैंने यहाँ पर सरसों का साग लिया हुआ है इसमें, और 250 ग्राम में मैंने थोड़ा सा बथुआ लिया हुआ है, और उससे भी कम क्वांटिटी में मैंने मेथी और सोया का भी साग इसमें डाला हुआ है। तो जो टोटल मिलाकर जब आप साग बनाते हैं ना, तो ये जो साग है ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर सारे साग को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार, और फिर इसको एक स्ट्रेनर में मैंने डाल दिया है। और फिर जब साग से थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, तब हम क्या करेंगे कि इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। और टेस्टी साग बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप साग को जो है बहुत ही बारीक बारीक कट करें। जितना बारीक हम कट करेंगे साग, उतना ही टेस्टी बनता है। तो बस अब हमारा सारा साग ये कट चुका है, तो अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर कुकर में सारे साग को ट्रांसफ़र कर लेने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जिससे कि साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, उसे डाल दिया है। 2 बारीक कटे मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और इसके साथ ही साथ 7 से 8 मैं हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। हरी मिर्च इसमें बहुत तीखी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डाला है। और इसके साथ ही साथ 12 से 15 मैंने कली लहसुन की डाल दी है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इन सारी चीज़ों को डालकर साग उबालने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ ही साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ पर मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। फिर इसको कवर लगा देंगे और इसे 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे, उसके बाद 1/2 घंटे तक इसे हम लो फ्लेम पर यूं ही पकने देंगे। तो अब प्रेशर रिलीज हो गया है, तो अब हम कवर को हटाकर इसमें हम थोड़ा सा मक्के का आटा डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मक्के का आटा डाल रही हूँ। मक्के का आटा डालने से साग, जो आपका साग बनता है, उसमें हल्का सा लस आता है, उससे वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर मक्के के आटे को डालकर इसे हम हैंड मिक्सर से इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पर, अगर आपके पास हैंड मिक्सर ना हो, तो आप नॉर्मल मिक्सी में डालकर इसे एक बार चला लीजिएगा। बहुत फाइन पेस्ट नहीं करना है, हल्का सा ये दरदरा होना चाहिए। तो अब साग को पीस लेने के बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, और इसके साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो केवल रिफाइंड ऑयल में या फिर केवल देसी घी में इसको तैयार कर सकते हैं। और अब जैसे ही हमारा ये ऑयल और घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसालों में मैंने 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 1 बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और 2 लाल मिर्च मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अब जैसे ही ये जीरा चटकने लगेगा, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। इसके साथ ही साथ मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक डाल दे रही हूँ। और फिर 1 मिनट तक लहसुन अदरक भून लेने के बाद, इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे कि मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देते हैं। और फिर प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो अब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हुए थे, जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे मैं डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि साग को उबालते समय भी मैंने नमक डाला था, तो प्याज और टमाटर के भर का ही हमें यहाँ पर नमक डालना है। और इसके साथ ही साथ मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। और अब इन सारे मसालों को टमाटर के साथ हम यूं ही खुला ही 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे।
दो मिनट तक इसी तरीके से टमाटर को भून लेने के बाद मैं इसमें दो चम्मच पानी डाल दे रही हूँ और फिर पानी डालकर इसे हम मिक्स कर देंगे और फिर इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे टमाटर प्याज वगैरह मसाले वगैरह हैं सब कुछ अच्छे से भुन भी जाएगा और अच्छे से गल जाएगा। और इन मसालों को इसी तरीके से 2 बार हम कवर करके इसी तरीके से पकाएंगे जिससे कि जो हमारे मसाले हैं टमाटर हैं सब अच्छे से गल जाए भुन जाए और मसालों से हल्का सा ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। तो अब सारे हमारे मसाले भुन गए हैं, टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गया है, तो इसी तरीके से खोलकर हम चला लेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर हम क्या करेंगे कि जो साग हमने उबाल कर रखा था उस साग में हम इस सारे मसाले को जो प्याज टमाटर और मसाले मैंने पका कर रेडी किया हुआ है इस मसाले को हम इस साग में डाल देंगे और अब दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करके अब हमें इसको चलाते हुए पका लेना है और अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक लगती है तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो थोड़े से मसाले लगे हुए हैं इस कढ़ाई में मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल दे रही हूँ और फिर पानी डालकर इसे मैं पका लूँगी। और अब जब इस पानी में एक उबाल आ जाएगा तब हम इस पानी को ही साग में डाल देंगे। क्योंकि साग हमारा बहुत ही थिक था इसलिए यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी इस तरीके से उबाल कर यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे 5 से 7 मिनट तक हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साग ये जो है हमारा उबलने लगा है। तो यहाँ पर उबलने के बाद आपको लगभग 5 मिनट तक इसे पका लेना है क्योंकि जितना ही ये साग पकता है उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब साग रेडी हो चुका है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। और साग के टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसके लिए हम एक तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी ले लिया है और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें मैं 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च में डाल दे रही हूँ। और फिर अपने जो साग रेडी किया हुआ है उस साग को एक सर्विंग डिश में हम सर्व कर लेते हैं। और इस जो तड़का पैन में मैंने तड़का रेडी किया हुआ है इसका घी जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें यहाँ पर देगी मिर्च डाल देते हैं। देगी मिर्च से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इस तड़के को हम इसमें साग में डाल देते हैं और इसके साथ ही मैं 1 क्यूब बटर भी इसमें डाल दे रही हूँ। बटर के साथ ये साग बहुत ही औसम लगता है। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।